कैसे होता है प्रसिद्ध प्रकार का, कैसे होता है, कैसे होता है बताइए। इसके लिए पहले तो सेक्रेटरी है वो नाम देखता है, जो नहीं है सोचा मिलिट्री वाले हॉस्पिटल में होता है, उनके यहाँ टूट फूट ही होती है, बाकी तो वो देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे। और ये व्लॉग है लास्ट डे का, जब मेरे इन-लॉज आए थे, इट मींस विकास के पेरेंट्स आए थे, तो अभी हम लोग उनको लेके जा रहे थे उनके आश्रम में। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 1 वीक रहे और अब उनको जाना था आश्रम में, जिसके लिए पर्पसली वो आए थे। यहाँ पे उनकी कुछ मीटिंग्स थी, तो वो मीटिंग्स अटेंड करने के लिए वो लखनऊ से यहाँ पे आए थे। तो एज इट इज़ मतलब अभी वही है, गाने चल रहे हैं तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, और बोल भी नहीं सकते ना कि आप बीच में गाने बंद कर दो और मुझे व्लॉगिंग करनी है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है, तो बस वही है। और ये है मेरी मदर इन लॉ, जो अपने उसमें मतलब होता है ना कि आप कहीं जा रहे हो, नई जगह है तो आप देखते हुए जाते हो। और हम लोग फाइनली पहुँच गए कान्हा आश्रम, और यहाँ पे वो पूरा इंक्वायरी ले रहा था। तो वही मेरे फादर इन लॉ बोल रहे थे कि हम 2 लोग हैं और 2 लोग हमें छोड़ने के लिए आए हैं। तो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी और अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत वाइड एरिया है ये, आप लोग देख ही रहे होगे ना, ये मतलब आश्रम तो है ही है और इसका एरिया भी बहुत वाइड था। मतलब आप मतलब मैं विकास को बोल रही थी कि हम लोग पैदल चलेंगे, थोड़ा वॉक भी हो जाएगा आश्रम में कहीं पर भी पार्क करके। तो विकास ने कहा नहीं, यहाँ पे आप पैदल नहीं चल सकते क्योंकि बहुत बहुत बड़ा आश्रम है और उतना ही सुंदर था। और जब होता है कि कुछ जगहों की वाइब्स बहुत अच्छी होती है, जैसे आश्रम की बहुत शांत कूल है ना, तो अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके। कई बार हमें लगता है कि सामने वाला थोड़ा ऑकवर्ड तो नहीं होगा अगर मैं व्लॉगिंग करूँगी, बट मम्मी जी बहुत कूल थी, अच्छे से बता रही थी, बट वही है कि गाने चल रहे थे तो मैं उनकी आवाज़ भी आपको नहीं सुना पाई। बट डेफिनेटली आगे मैंने उनके साथ कुछ बातें की हैं जो मैं ज़रूर सुनाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे पीछे सॉन्ग नहीं था तो यहाँ पे उसके चलते काफ़ी दिक्कत हो रही थी मुझे। और कितनी अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, वही होता है ना कि आप कुछ चीज़ें बहुत मन को शांति देती हैं लेकिन बात के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, तो वही मेरे साथ भी हो रहा था यहाँ पे। मुझे वॉइस ओवर करते करते मतलब ये होता है ना कि आप सबके कन्वर्सेशन नहीं सुना सकते, आपको सिर्फ मेरी ही आवाज़ सुनाई दे रही है। बट यस, बहुत अच्छी बातें हो रही थी। और ये विकास ने जो नई गाड़ी खरीदी थी उसके फीचर्स समझा रहे थे ये लोग कि इसमें ये है, इसमें ये है, क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल से 5-6 साल पहले खरीदी थी। तो कुछ होता है ना कि टेक्नोलॉजी डिफरेंसेस आते रहते हैं, तो वही सब डिस्कस कर रहे थे आपस में। और ये इनका हॉल है जहाँ पे इनकी मीटिंग्स होती हैं, मेडिटेशन हॉल जिसे कहते हैं। तो मुझे दिखा रही थी कि ये मेडिटेशन हॉल है, वाकई बहुत बहुत बड़ा है। तो और खूबसूरत हरियाली देख के देखो मन अच्छा लगता है, मुझे भी लगता है कि अपने घर में भी प्लांट करते हैं, बट पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि क्या होता है कि आप कहीं जाते हो तो प्लांट सूख जाते हैं। और जितना बोलते हैं कि हैदराबाद गर्म है लेकिन प्लांटेशन में बहुत गर्म करते हैं और देख के एकदम मन मुक्त हो जाता है। फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए और विकास सामान लेके जा रहे थे और पापा जी गए थे अपना केबिन देखने के लिए कि उनका कौन सा रूम अलॉटेड है, क्योंकि इन लोगों ने पहले से ही बुकिंग कर ली थी। और यहाँ पे 2 तरह के हैं, एक एसी एक नॉन एसी। तो यहाँ पे सभी लोग आज या कल आ गए थे, कुछ कल आ गए थे, कुछ आज आ गए थे, कुछ शाम को आने थे। तो इस साइड कैंटीन है यहाँ पे और ये लोग यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। और डेफिनेटली इससे क्या होता है कि
कई लोग डोनेशन नहीं दे सकते या कुछ मतलब ऑब्वियसली आप किसी भी संस्था को चलाते हो तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। तो ये एज अ काइंड ऑफ होता है कि लोग खरीदते हैं तो इससे क्या होता है कि एक तरह से आप आश्रम को और भी ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर सकते हो जो पैसा आता है। और यहाँ पे था इनका कान्हा आश्रम का घी, शहद और बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट काफ़ी प्रोडक्ट ये लोग सेल करते हैं। और यहाँ पे ये दालें थी तो जो लोग बहुत जिसे कहते हैं कि पूरी तल्लीनता से इसमें होते हैं ना वो ये सब चीज़ें खरीदते भी हैं एज अ लाइक कि हाँ हम कुछ खरीद रहे हैं और इससे आश्रम की हेल्प होगी। और ये हैं डिवोटीज़ जो कुछ दे रहे हैं और कुछ मतलब जैसे मुझे बहुत एग्जैक्ट मालूम नहीं है क्या है तो मैंने अपने मदर लॉ से पूछा भी था जो थोड़ी देर में आपको बताएंगी वो। तो खैर यहाँ पे वाइब्स बहुत अच्छी आ रही थी और सब कुछ लोग आज आ गए थे, कुछ लोग रात को आना थे, कुछ लोगों को आना था क्योंकि प्रोग्राम कल से शुरू हो रहा था। कॉलोनी की है ये जो पिंक वाली है लखनऊ की? हाँ लखनऊ की है। अच्छा तो ये प्रिसेप्टर है, ये पूजा दे रही है। कैसे होता है प्रिसेप्टर का, कैसे होता है, कैसे होता है बताइए। इसके लिए पहले तो सेक्रेटरी है वो नाम देखता है ये मतलब उनको लगा दी थी अपने आप ही वहाँ पर टेस्ट लिया जाता है लाइक की नहीं लगातार हर टाइम के गैप से टेस्ट किया जाता है। फिर जब पूरा वहाँ से हो जाता है तो क्या है तो ये जैसे ये यहाँ पे हम जो देख रहे हैं ना ये लोग मेडिटेट कर रहे हैं ना मतलब जैसे होता है ना कि एकदम अपने उसमें ही है एक मेडिटेशन हो जाता है। तो ये ऐसे ही होता है क्या आप भी जब करते हो तो ऐसे ही करते हो? क्या सोचते हो मतलब क्या मतलब ये कहा गया है ऐसे इसका है ये नाम तुम ही मानव जीवन का वास्तविक है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम जो मेरी उन्नति में बाधक है ये नाम तुम ही एक बात से सकती जो हमें उस लक्ष्य तक लिखी। मेरा लक्ष्य क्या है मुझे इस धरती पर दोबारा नहीं मोक्ष को। अच्छा मोक्ष प्राप्ति हो जाती है मेन यही रहता। अब बैठते हैं थॉट्स भी आते हैं फिर कहते हैं नहीं मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा उसको फिर रोकते हो? रोकते हैं तो मैंने पूछा कि थॉट्स तो आ ही गई इतना है कि थॉट्स तो कुछ भी है कल को मुझे कुछ करना है किसी का थॉट आ रहा है ये है मैंने डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं मतलब है ना क्या ऐसा थॉट्स है कोई ऐसा चिंता दिखता है ऐसा बताया इसके लिए आपको ज़रा सीरियस बन रहे क्योंकि गृहस्थ जीवन भी चल ही रहा है ना साथ के साथ है ना तो परेशानियां भी आती ही हैं है ना टाइमली ऐसे होता है वैसे आप रखिए सब आपका ठीक ठाक गुरु जी का भी सहयोग रहता है कि आप करते रहिए निरंतर जैसे करते। अब मैं जैसे करूँगी तो मुझे बड़ा फील होता है मेरा कुछ अधूरा है तो मैं कर लेती हूँ थॉट्स आते रहते हैं वो आपकी जगह आते हैं। वो तो जब आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आज दूध खत्म हो गया कल चीनी कुछ ना कुछ तो चलता ही है अच्छा भी होता है कि अंदर भरे हुए हैं निकल जाते हैं तो वो अच्छे ही रहते हैं इम्प्योरिटीज निकल जाते हैं शुद्ध हो जाता है मन है ना ये। तो मौसी जी किस साइड में है उधर दूर होंगी गई वो काफी दूर तक फैला हुआ है। हाँ चलेगी क्या पापा जी कहाँ गए वो कराई थी यंगस्टर्स भी आए हैं है ना यंग यंग बच्चे भी हैं देखिए बच्चे है ना छोटे बच्चे भी हैं 18 साल के बच्चों का तो है मिनिमम एज 18 इयर्स हो जो नई लेडीज हैं तो बच्चे अपने लेके आएंगी। हाँ अच्छा बच्चों को लेके आएंगी अभी देखिए कर रहे हैं ना ये यहाँ पे है ना जो यहाँ पे भी ना और दो दो के ग्रुप में बैठे एक दे रहा है और एक ले रहा है जो पूरी फैमिली से अभी जो तीन बैठे हुए वो दे रहे हैं वो देखो देने वाले तीन बैठे ना ये लेने अच्छा नहीं दो बैठे हैं वहाँ पे तो हमने वो तीन बैठे ना अभी देखो तीन बैठे उधर दो लोग बैठे हैं ना और अभी दो लोग बैठे पीछे सिंगल बैठा है वो देने वाला है। अच्छा अच्छा उधर एक और लेडी बैठी है सब गुरु जी ने बड़े अच्छे से बात सुनवाए और
यहाँ पे वॉशरूम्स में देखिए लिखा है टॉयलेट सिस्टर्स और टॉयलेट ब्रदर्स, तो ये चीज़ मुझे बहुत नई लगी, तो मैंने कहा दिखाती हूँ। और ये था इनका, इन लोगों को एक रूम अलॉटेड नहीं है, ये बंकर बेड्स टाइप के जो होते हैं ना, उस टाइप के ये एसी रूम्स में ये अलॉटेड होते हैं इन लोगों को, ये पहले से रजिस्ट्री करा लेते हैं। और अभी तो बहुत कम लोग आए हैं, शाम तक मेरे ख्याल से काफ़ी लोग आ जाते हैं, तो ये मतलब जो होते हैं ना सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको नीचे के बेड्स मिलते हैं, और जो थोड़े से यंग होते हैं उनको ऊपर के बेड्स जो हैं अलॉटेड होते हैं। तो बस हम लोग भी पहुंच गए थे, और मेरे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था, और मुझे लगा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं, तो मैं इसलिए मैंने शेयर किया। और यहाँ सब अपनी बेडिंग्स और सब कुछ लगा रहे थे, और कुछ यंग लोग भी आए थे, और देखो कितने तल्लीनता से लगे हैं, तो अच्छा लग रहा है, मेरे लिए बहुत बहुत नया एक्सपीरियंस है। और हम लोग आ गए थे मौसी के पास, उनके टूट फूटी होती रितु और ये दोनों, रितु देखा था उसको बॉम्बे में, संतोष। अरे क्या आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए, फोटो भेज देना फोटो। हाँ हाँ अच्छा आइए। तो फ्रेंड्स आज मेरा व्लॉग यहीं तक था, और इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और जितने आप मतलब लाइक्स दोगे ना अच्छा लगता है कि हाँ थोड़ी मेहनत कर रहे हैं, नहीं तो डीमोटिवेट हो जाता है इंसान। पर फिर भी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।